इतना अभी जिनको और एक साल बैठना पड़ेगा और एक साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा उनको क्या करना है यू नो इट्स हार्ड टू कन्विंस योर सेल्फ टू गो थ्रू द सेम स्ट्रगल फॉर अनादर ईयर द सेम पेन द सेम स्ट्रगल द सेम सेक्रीफाइज इट्स नॉट ईजी बट आई विल टेल यू ए स्टोरी मैंने ना दो साल ड्रॉप किया पहले साल मैंने बहुत पढ़ा था मतलब मेरा जितना एफर्ट था मैं आई गेव माई एवरी फिर जब रिजल्ट uh, आया ना तो रिजल्ट ठीक ठाक आया था मतलब सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड की करीब रैंक आया था ठीक आया था लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट चाहिए था आई वांटेड रेडियोलॉजी वो नहीं मिलेगा तो मैं ना उदास हो गया कि भाई मेरे अंदर जितना ताकत था मैं मैं मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ दैट वॉज़ माई बेस्ट एफर्ट और टैलेंट तो मेरे अंदर जितना है उतना ही रहेगा अब रातों रात मेरा टैलेंट तो बढ़ नहीं जाएगा वो कम भी नहीं जाएगा यू कैन नॉट इंक्रीज योर टैलेंट नीदर यू कैन डिक्रीज योर टैलेंट द एक्स अमाउंट ऑफ टैलेंट यू नो इट इज़ इनसाइड यू एंड इट विल स्टे फॉर एवर इट विल नॉट इनक्रीज नी दर विल डिक्रीज टैलेंट वाइज मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैं ना उदास हो गया कि भाई क्या करना है फिर मैं और मेरा दोनों दोस्त तीन लोग मिल के कोलकाता में ना एक फेमस टेम्पल है मतलब दोस्त हुआ फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड वेस्ट बंगाल और कलकाता उनके लिए बोल रहा हूँ कोलकाता में जो लोग है वो लोग तो जानते ही है एक फेमस टेम्पल है काली माता का टेम्पल दक्षिणेश्वर मंदिर बोलते हैं एंड दैट इज बिसाइड हुगली रिवर एकदम रिवर के पास ही है मंदिर है सुंदर सा एक मंदिर है एंड uh, उसके पास जो रिवर बैंक है ना वो बढ़िया है मतलब मैं और मेरा दो दोस्त तीन लोग मिल के चला गया दक्षिण से टेम्पल मतलब तो वही रिवर बैंक के पास बैठा थोड़ा बातचीत किया क्योंकि उनका भी सेम हाल है तीन लोग एक साथ बात किया फिर तब ना एक अचानक सा एक पॉजिटिव एनर्जी आ गया कि भाई मेरा जो लक्यूना है मेरे अंदर जो जो कमियाँ हैं उनको अभी फिलअप करना पड़ेगा यस इट वॉज़ ए गुड एफर्ट बट बेटर कैन बी डन ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बेटर प्रिपरेशन बेटर एफर्ट इज़ येट टू कम इट वॉज गुड बट बेटर कैन बी डन यू वेर गुड इन दैट ईयर और perhaps on the day of the exam you were good but the one who got the ranks you know good ranks they were better than you you put hard yards they put even harder yards you put your all the physical you know physical efforts into your study they put their physical effort as well as their soul into the study and your fight is not with any other tumko tumhara based hai. this was a good effort perhaps better but best is yet to come यही मेरा बिलीव था आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम रिमेंबर वन थिंग इफ यू आर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सकेंड यू आर ऑलरेडी समवेयर एट द मिड ऑफ द जर्नी और परूअर्ड्स द समिट जस्ट कीप वॉकिंग जस्ट कीप द कीप द सेम टेम्पो नथिंग नथिंग एल्स इज अ फेमस कोट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कोट बट एज फार एज आई रिमेंबर इट इज ऑफ अल्बर्ट आइंसटाइन ओनली एंड द कोट सेज मेनी ऑफ ओप सरेंडर वेन वी वी आर वेरी क्लोज टू अवर सक्सेस इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट में जब हम क्लाइंब कर रहे हैं ना देन उसका जो लास्ट टेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द जर्नी मतलब समिट के वैन वी आर अप्रोचिंग टूअर्ड्स द समिट द जर्नी गेट्स डिफिकल्ट सिचुएसन इतना हॉस्टाइल हो गया सर्कमस्टेंसेज इतना हॉस्टाइल हो गया मेंटल एबिलिटी खत्म हो गया एट द वेरी एंड में जाके हम लोग सरेंडर कर लेते हैं एंड देन वी डिसाइड टू गो डाउनवर्ड्स वी वेर परहैप्स ये भी हो सकता है कि जस्ट वन डे और दो दिन का दूरी था से। वी वे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द सक्सेस। नाइन परसेंट हम क्लाइम कर लिए खाली एक परसेंट के लिए वी सर सो गाइज यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस जस्ट बैटल फॉर अदर ईयर एंड आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो